नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इम्फाल से शुरू किए जाने वाली प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मणिपुर कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से 2 जनवरी को एक लिखित आवेदन दाखिल कर 14 जनवरी को इम्फाल पूर्वी जिले के हट्टा कांग जेईबुंग मैदान से रैली शुरू करने की अनुमति मांगी थी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि मणिपुर सरकार ने राज्य में ताजा हिंसा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बाकी 15 विधायकों की किस्मत पर फैसला आ गया है। फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया है। स्पीकर ने कहा है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। फैसला सुनाते वक्त स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि उद्धव गुट की दलील में दम नहीं है। साथ ही स्पीकर ने उद्धव ठाकरे द्वारा एकनाथ शिंदे को शिवसेना समूह नेता पद से हटाने को खारिज कर दिया। उन्होंने शिवसेना के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष के पास किसी को भी पद से हटाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि शिंदे को नेता पद से हटा नहीं सकते थे ठाकरे। स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि शिवसेना का जो संविधान 1999 वाला था उसे ही माना जाएगा। 2018 में जिस भी संशोधन की बात की गई है वो सही नहीं है। उनकी तरफ से यह भी साफ कहा गया है कि चुनाव आयोग के पास जो रिकॉर्ड मौजूद है उसमें शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। रिलायंस समूह के मालिक उद्योगपति मुकेश अंबानी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को अब तक का सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया है। मुकेश अंबानी ने कहा, हमारे प्रिय नेता जो हमारे समय के सबसे महान वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं, वो भारतीय इतिहास के अब तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं तो दुनिया न केवल सुनती है बल्कि उसकी सराहना भी करती है। उन्होंने कहा कि विदेश में मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, उस नारे का क्या अर्थ है जो लाखों भारतीय लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मैं उन्हें बताता हूँ कि इसका मतलब है भारत के प्रधानमंत्री अपनी दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और कार्यान्वयन से असंभव को संभव बनाते हैं। वो सहमत होते हैं और वो भी यही कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 10 जनवरी यानी आज से 12 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन का ये 10वां एडिशन है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने आए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद भी अहमदाबाद पहुंच गए। आज सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी उपस्थिति पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, आज सभी प्रमुख एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा। दुनिया भर के लोगों को अपना विश्लेषण करने दीजिए, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि ऐसा होगा। राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर दी है। साथ ही कहा है कि इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए घर बनवा देंगे। बाबूलाल खराड़ी राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार में आदिवासी क्षेत्र विकास मंत्री हैं। उन्होंने कहा, यह प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि कोई भूखा ना सोए और बिना छत के ना रहे। उन्होंने कहा, आप ढेर सारे बच्चा पैदा करें, प्रधानमंत्री जी आपका घर बनाकर देंगे तो समस्या क्या है। जिसके बाद लोगों का कहना है कि मंत्री जी ने पीएम मोदी को फंसा दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इन सभी नेताओं को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 22 जनवरी का न्योता दिया गया था, जिस पर कांग्रेस ने लंबे समय से कोई फैसला नहीं लिया था। लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि कोई भी नेता कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने जा रहा है। कांग्रेस के यूपी इकाई के कुछ नेता जरूर मकर संक्रांति के मौके पर राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। कांग्रेस ने कहा है कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि साल 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के कांग्रेस के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। अनुराग ठाकुर ने कहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये होना ही था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम का विरोध किया है और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कई मौकों पर भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया है। अगर उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है तो भारत के लोग भी आगामी लोकसभा चुनावों में उनका बहिष्कार करेंगे।
राम मंदिर को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है उससे कुछ धर्मगुरु गुस्से में हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के 1008 शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को दावा किया कि आंशिक रूप से निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। पूरे धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, ये हिंदू मान्यताओं और परंपरा के विरुद्ध है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। भारत में राजा और धार्मिक नेता हमेशा अलग अलग रहे, लेकिन अब राजनीतिक नेता को धार्मिक नेता बनाया जा रहा है, ये परंपराओं के खिलाफ है और राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले प्रवेश या अभिषेक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फिलहाल अयोध्या में गर्भगृह का फर्श बन चुका है और उस पर खम्भे खड़े हो चुके हैं, मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में परंपराओं के अनुरूप नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और VHP के वरिष्ठ नेता चंपत राय पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चंपत राय को इस्तीफा दे देना चाहिए और मंदिर को रामानंद संप्रदाय को सौंप देना चाहिए। बता दें कि चंपत राय ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय के लोगों का है, उनका नहीं। सरस्वती ने कहा कि अगर राम मंदिर रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों का है तो ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों को दे दिया जाना चाहिए। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। संत ने कहा, वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बस उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि वो किसी भी ऐसी चीज में भाग ना लें जो धर्म विरोधी हो। राम मंदिर को लेकर पुरी के 145वें जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा, वो उस स्थिति में अयोध्या नहीं जाएंगे। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मोदी जी समर्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं फिर वहां क्या ताली बजाऊंगा। उन्होंने कहा कि लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि अगर प्रधानमंत्री ही सब कुछ कर रहे हैं तो धर्माचार्य के लिए अयोध्या में करने के लिए क्या बचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो योग सिखाना हो और अब प्राण प्रतिष्ठा करना हो जो साधु संतों द्वारा किया जाता रहा है। हालांकि संत ने पीएम मोदी द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में खुद को पेश नहीं करने और सनातन धर्म को पूरा सम्मान दिखाने के लिए तारीफ भी की। CPI ने नीतीश कुमार से भाजपा से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ रहने की अपील की है। ये अपील ऐसे समय में आई है जब नीतीश कुमार को लेकर पटना से दिल्ली तक अटकलबाजियों का बाजार गर्म है। नोएडा का टीवी मीडिया उनके इंडिया छोड़ने की अटकलें अपनी तमाम रिपोर्टों में लगा रहा है। इस बीच CPI महासचिव डी राजा ने पत्रकारों को बताया कि मैंने सोमवार को नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है और उन्हें बताया कि इंडिया गठबंधन भाजपा RSS गठबंधन के विकल्प के रूप में उभरा है और हमें देश को बचाने के लिए एक साथ रहना होगा और लड़ना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि भाजपा को कोई फायदा ना मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी गठबंधन को लेकर घबराए हुए और चिंतित हैं। राजा ने बताया कि उनकी पार्टी बिहार में गठबंधन का हिस्सा है जो अब इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि CPI आम चुनावों में ये सुनिश्चित करेगी कि सभी सहयोगी एक साथ रहें। कांग्रेस ने UP के लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी से पहले दौर की बातचीत पूरी कर ली है। दूसरे दौर की बैठक 12 जनवरी को बुलाई गई है। मंगलवार को ही इस बैठक में दोनों दलों ने महत्वपूर्ण सीटों की संख्या को लेकर चर्चा की। अब दोनों दलों के नेता अपने अपने आलाकमान को इसकी रिपोर्ट देंगे। वहां से जो भी संकेत मिलेगा उस पर 12 जनवरी को अंतिम फैसला लेने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक चालक बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हालांकि इस हड़ताल का राज्य में मिला जुला असर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का दावा है कि इस हड़ताल में राज्य के 65,000 से अधिक वाहन चालक शामिल हुए हैं। कई इलाकों में बस और ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। रायपुर समेत राज्य के कई शहरों में स्कूल बसों पर भी असर दिखा है, लेकिन कई जिले इस हड़ताल से अछूते हैं। इधर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राजधानी रायपुर के बस स्टैंड समेत कई जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की कोशिश में ताजा नाम गाजियाबाद का जुड़ गया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार गाजियाबाद नगर निगम ने बहुमत से इस शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस बैठक के दौरान शहर के 3 नए नामों गजप्रस्थ, दूधेश्वर नाथ नगर या हरनंदीपुरम के सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गए हैं। भारत और मालदीव के बीच चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी को शरद पवार का साथ मिला है। शरद पवार ने कहा, ये अस्वीकार है कि किसी दूसरे देश के किसी पद पर बैठे व्यक्ति ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की हो। पवार ने कहा, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर किसी अन्य देश का कोई भी व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें, पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है।
बिल्किस बानो के दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा था। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दोषियों के सरेंडर करने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। दाहोद के पुलिस अधीक्षक बलराम मीणा ने बताया है कि दोषी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। SP ने बताया कि दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं है, उनमें से कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली है। 23 साल पुराने हुई हत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के टेनी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने इस मामले में अजय मिश्रा टेनी को बरी करने का फैसला सुनाया है। इस मामले को लगभग 23 साल बीत चुके हैं, ऐसे में अब इस मामले में हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व JNU छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें, उमर खालिद पर पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश में कथित संलिप्तता को लेकर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। सरकारी डॉक्टरों ने बताया है कि कैसे AI स्टार्टअप की CEO सुचाना पीठ ने अपने 4 साल की बेटी की हत्या की। उन्होंने बताया है कि सुचाना ने गोवा के होटल में तौलिया या तकिए का इस्तेमाल किया होगा। ये घटना 6 से 8 जनवरी के बीच की लगती है, यानी टैक्सी में शव रखने से करीब 36 घंटे पहले उसकी हत्या की गई लगती है। कर्नाटक में पोस्टमार्टम करने वाली सरकारी डॉक्टर कुमार नाइक ने कहा, उसका गला दबाया गया है या गला घोंटा गया है, वहाँ कोई घाव या संघर्ष के निशान नहीं है, इसमें तकिए या तौलिया का इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि शरीर के अंगों का अकड़ना ये दर्शाता है कि कथित हत्या में कम से कम 36 घंटे पहले हुई थी। बता दें, सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से उस समय पकड़ा गया जब वो कथित तौर पर अपने बेटे के शव को एक बैग में भरकर कैब में भागने की कोशिश कर रही थी। अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने बुधवार को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होकर निवेश के लिहाज से बड़े ऐलान कर दिए। अंबानी ने भारत की पहली और विश्व स्तरीय कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करने की घोषणा की, तो अडानी ने प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की बात कह दी। गौतम अडानी ने बुधवार को निवेश की घोषणा की जो मुख्य रूप से एक हरित ऊर्जा पार्क के निर्माण में होगा जो अंतरिक्ष से दिखाई देगा। गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा, इस निवेश से 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि पिछले शिखर सम्मेलन में किए गए 55,000 करोड़ रुपए में से अडानी समूह पहले ही 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। अंबानी ने कहा कि रिलायंस हमेशा एक गुजराती कंपनी थी, है और रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा, रिलायंस ने पिछले सिर्फ 10 वर्षों में भारत भर में विश्व स्तरीय संपत्ति और क्षमताएं बनाने में $150 अरब से अधिक का निवेश किया है। इसमें से 1/3 से अधिक का निवेश अकेले गुजरात में किया गया है। उन्होंने कहा, रिलायंस गुजरात को हरित विकास में वैश्विक नेता बनाने में योगदान देगा। हम 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से गुजरात की आधी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लक्ष्य में मदद करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।